टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहेंगे। देखिए कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट जरूर आया है, हालांकि दो अनाउंसमेंट्स आए हैं कि जनवरी महीने से वो अपनी गाड़ियों के जो दाम है वो बढ़ाएंगी, और अभी कुछ देर पहले का अनाउंसमेंट कि जहां पे उन्होंने चंडीगढ़ में एक स्क्रैपेज पॉलिसी का उद्घाटन किया है। और स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ अपने ऑल टाइम हाई पे आता हुआ दिख रहा है, कैसे देखा जाए इस तेजी को? क्या 700 का स्तर भी तोड़ के पार निकल सकता है टाटा मोटर्स, या इन स्तरों पर थोड़ा हॉल्ट करना चाहिए? ऑप्शन चेन देखेंगे तो काफी अग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है 685 पुट और 690 पुट में, यानी कि तेजी यहां से और भी नजर आ रहा है। और साइमल्टेनियसली अगर हम देखेंगे तो 700 कॉल जहां पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स पोजीशन थे, आज वहां पे ओपन इंटरेस्ट की अनबाइंडिंग नजर आ रही है, यानी कि टाटा मोटर्स यहां से 700 लेवल्स को क्रॉस करने के लिए काफी अच्छे से तैयारी है। सपोर्ट बेस अच्छा बन गया है 685 का, तो यहाँ पे आप 685 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जहां पे बेस बन रहा है। 700 को ब्रेक करेगा, 700 के ऊपर जाते हुए वो 710 715 720 का एक ओवरऑल एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप 715 1715 आते ही आप एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कर दीजिए एंड देन वेट कीजिए, दोबारा आपको अगर डिप नजर आए तो आप एंटर कर सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया है ये, यहाँ पे 715 720 जाने के चांसेस है। ओके तो 715 720 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स टाटा मोटर्स पे आते हुए दिख रहे हैं। पर चलिए इसी के साथ फिर से एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है आपका ही।